हे गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो एक आरटीआई लगाया था मैंने कैट डिपार्टमेंट में, क्रॉम्पटन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे पूछी थी, सीजीएल 2024 में आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कैटेगरी वाइज वैकेंसी, ऑडिटर की, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, और साथ में आपकी अकाउंटेंट एंड डिविजनल अकाउंटेंट की, लगभग ये 5 पोस्टें हैं, इनकी मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी पूछी थी। देखते हैं इनका रिप्लाई क्या आया है। तो देख लेते हैं इनका रिप्लाई क्या आया है। आई एम रेफर टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर RTI dated this received in this office on 5/2/2024। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने लिखा है कि नो इंटीमेशन हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम दी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू फिल द वैकेंसी इन द कैडर ऑफ, ये जितनी भी वैकेंसीज हैं थ्रू CGL 2024। मतलब अभी SSC को कोई भी इंटीमेशन जो है वो रिसीव नहीं हुआ है इन पोस्टों की वैकेंसीज के लिए कि इनको फिलअप करना है। मतलब ना तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई वैकेंसी जो है वो SSC को फॉरवर्ड की गई है, मतलब SSC को बेसिकली अभी इन वैकेंसीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं रिसीव हुई है। इस वजह से SSC के पास अभी कोई वैकेंसी का डाटा नहीं है। और वैसे भी ये जो EO की जो वैकेंसीज़ हैं और इनका अभी थोड़ा सा इशू चल ही रहा है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी पहले भी एग्जिस्टिंग वैकेंसीज थी, ठीक है, उनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था, मतलब जो पहले निकाली थी इन्होंने। तो अभी देखते हैं, मैं थोड़ा सा सेंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें जो है वो इनके रिगार्डिंग RTI लगाऊंगा डिपार्टमेंट में, वहाँ से फिर थोड़ा पता लगेगा कि क्या कुछ इनके पास वर्किंग स्ट्रेंथ और सेंक्शन स्ट्रेंथ है। वैकेंट पोजीशन पता लगी तो ही तो पता लगेगा कि SSC को फॉरवर्ड कितनी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की लेटेस्ट RTI रिप्लाई मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ टाइम टू टाइम। धन्यवाद।